बूंदी जिले में गत 10 जून को हिंडौली थाना क्षेत्र के गोकुलपुरा व देवजी के थाना के बीच ई मित्र डीसी संचालक पर आंखों से मिर्ची डालकर हुई 5,35,000 की लूट का मास्टरमाइंड फरियादी डीसी संचालक हरी सिंह मीणा ही निकला। डीसी संचालक ने अपने दो अन्य साथियों की मदद से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस जांच में पूरा मामला झूठा निकला। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद ने बताया कि डीसी संचालक से 5,35,000 की लूट के प्रकरण के बाद पुलिस ने घटनास्थल का अवलोकन कर आवश्यक साक्ष्य जुटाते हुए फरियादी द्वारा बैंक से राशि निकलवाने से लेकर घटनास्थल के रास्ते का अवलोकन किया। रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज में तकनीकी माध्यम से लूट की साजिश में शामिल फरियादी हरि सिंह मीणा व उसके साथी मित्र संचालक देवराज मीणा एवं ग्राम विकास अधिकारी नितिन शर्मा से गहनता से पूछताछ की गई तो उक्त घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट के प्रकरण का मास्टरमाइंड आरोपी हरि सिंह मीणा बीसी का कार्यकर्ता है। ई मित्र संचालक देवराज व ग्राम विकास अधिकारी नितिन शर्मा तीनों आपस में मित्र हैं। पूर्व में फरियादी के साथ ही नितिन शर्मा ग्राम विकास अधिकारी पर जयपुर से एक लड़की को भगा लाने के मामले में नितिन शर्मा ई मित्र संचालक देवराज एवं फरियादी हरि सिंह के विरुद्ध जयपुर के शिप्रापद थाने में अपहरण व बलात्कार का प्रकरण दर्ज है। उक्त प्रकरण की पीड़िता के परिजनों का 10 जून को हिंडोली आने का प्रोग्राम था, जिस पर तीनों साथियों ने मिलकर पीड़िता के परिजनों को फंसाने के लिए साजिश रची। लूट की वारदात के समय फरियादी हरि सिंह द्वारा बैंक से राशि निकालकर अपने साथी ई मित्र संचालक देवराज मीणा को रास्ते में दे दी। फरियादी द्वारा एक दिन पूर्व मिर्ची पाउडर व पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदा व अपने बैग में रखकर सुनसान जगह पहुंचकर लूट की घटना होना बताया। फरियादी द्वारा तीसरे दिन अपने साथी से कथित लूट की राशि घर जाकर प्राप्त कर ली, जिसमें से 1,50,000 रुपए लोगों के बकाया चुका दिए तथा 3,50,000 रुपए अपने साथी नितिन शर्मा ग्राम विकास अधिकारी को दे दिए। पुलिस ने ग्राम विकास अधिकारी नितिन शर्मा से लूट की राशि जब्त कर ली। प्रकरण के पर्दाफाश में डीसीआरबी के कांस्टेबल अशोक कुमार श्रृंगी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लूट की वारदात के दूसरे दिन मंगलवार को हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने हिंडोली थाने के बाहर लूट की वारदात के खुलासे को लेकर धरना दिया। वहीं चांदना ने 5 दिन के भीतर बीसी संचालक से लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया था। वहीं 5 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 22 जून को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी थी, पर पुलिस ने इससे पूर्व ही प्रकरण का खुलासा करते हुए लूट के मास्टरमाइंड सहित दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया। पर चांदना को क्यों पता था कि जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुद ही आरोपी हैं। इस पूरे मामले में विधायक का इतना जल्दी एक्शन लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, ये घटना है 10/6/2024 की। हिंडोली थाने एरिया में फरियादी हरि सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ में बैंक से जब वो पैसे निकाल के जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उसके आंखों में मिर्ची डाल के और लगभग 5,35,000 की लूट की घटना घटित हुई है। इस घटना को लेकर हमने हमारे उच्चाधिकारी, इसमें एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब हिंडोली घनश्याम जी, एसएचओ हिंडोली और हमारी डीएसटी टीम जिसके केस प्रभारी हैं, इन्होंने लगातार दिन रात मेहनत करके इस घटना का पर्दाफाश किया है। और वास्तव में जो भी घटनाक्रम जो सारा उसको घटनास्थल को देखा गया तो प्रथम दृष्टया हमें वो मामला संदिग्ध लग रहा था। इस घटना में महत्वपूर्ण ये निकला कि स्वयं परिवादी और उसके दोनों साथी, इन सबने, तीनों ने मिलकर ये साजिश रची है। फरियादी के कुछ कर्जा था और अपनी कोई किस्तें चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे का अभाव था। फरियादी बीसी का काम करता है, जिसमें ये पैसे निकाल के ले गया था वो बीसी के पैसे थे। इसने अपने ई मित्र संचालक को, जो इसका मित्र है देवराज मीणा, ई मित्र संचालक है, उसको जाते हुए जो पैसे थे 5,35,000 वो रास्ते में दिए और इसने आगे जाके इस घटना का ये षड्यंत्र रचा। हमने तीन लोगों को इसमें दस्तयाब किया, तीनों से गहनता से पूछताछ की। तो इनका एक साथी है ग्राम विकास अधिकारी, उसका नाम है नितिन शर्मा। एक्चुअल में इनका क्या है कि कुछ दिन पहले इन्होंने, नितिन शर्मा ने एक लड़की का मासी अपहरण किया था जयपुर से, और इसमें ये तीनों मुलजिम है हरि सिंह, देवराज और नितिन शर्मा, इनके खिलाफ सिप्रापद थाने में बलात्कार और अपहरण का मुकदमा दर्ज है। उसमें इस साजिशवश उनके जो पीड़िता थी उसके परिवारजनों को भी इनके फंसाने का इनका षड्यंत्र था। जिस दिन घटना को अंजाम बता रहे हैं उस दिन वहां से पीड़िता के परिजन यहां पे आने वाले थे और इनका प्लान ये था कि हम ये पैसे को भी अट जाएंगे और पीड़िता के जो परिजन है उनको भी साजिश में
फसाएंगे उनको आरोपी बनाने का, लेकिन किसी वश से पीड़िता के परिजन यहाँ पे नहीं आए पाए थे। स्वयं परिवादी ने मिर्ची खरीदी पेट्रोल पंप से, एक दिन पहले पेट्रोल लिया और स्वयं के ऊपर ये सारे डाल के इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हमने तीनों को दस्तयाब किया है और ये जो लूट की जो घटना बताई है बिल्कुल निराधार झूठी थी। तीनों के खिलाफ हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। 3,85,000 जो नितिन शर्मा के पास जो अमाउंट था वो हमने बरामद कर लिया। सर, इसमें विधायक अशोक चांगा जो स्थानीय है उन्होंने भी धरना दिया था। देखिए, जिस दिन घटना हुई थी उसके अगले दिन ही इस घटना को लेकर वहां पे जनप्रतिनिधियों ने थाने के आगे धरना दिया था और हमने इसको चैलेंज के रूप में लिया था। अभी भी उन्होंने आगे इस तरह की घोषणा कर रखी थी, लेकिन चूंकि ये चीजें उनको आभास भी हो चुकी थी कि घटना कितनी सत्य है कितनी नहीं है, लेकिन पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाते हुए समस्त घटना का पटाक्ष किया।